मेरे गांव का ऑसम व्यू है, तो आप देख सकते हो सब अपनी जीवन लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और देख ही लो कैसा है मेरे गांव का नज़ारा, और मेरा डेली लाइफ मैं आज दिखाऊंगा अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे आप डेली लाइफ पे एक वीडियो बनाइए, तो उसका डिमांडिंग पर्सन था, तो मैंने इसलिए सोचा क्यों नहीं बना दूँ। तो ये मेरे गांव का कुछ नज़ारा है, क्योंकि पूरा तो कवर हो नहीं रहा है, फिर भी मैं जितना अपने फ़ोन से कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ उतना तो हो ही सकता है। ये है मेरे गांव, जो जिसका नाम है भेजा, जिसकी आबादी मैंने पहला ही ब्लॉग में बता दी, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 10,000 की आबादी है। और ये रहा मेरा घर, देख सकते हो ये मेरा घर है, और वो मेरा जो मिथिला में बोलते हैं दलान, यानी एक रहने का, अलग से रहने का, जिसमें बुजुर्ग लोग बैठते हैं, वो रहा मेरा गाय माता जी। तो कुछ इस तरह से मेरा प्रतिदिन का लाइफ चलता है, और डेली लाइफ पे बहुत सारा वीडियो आएगा, तो प्लीज़ आप ब्लॉग बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो हम कल भी बताए थे अपने गांव की हालत कैसे होती, तो ये बगल में देख सकते हो कितना पानी लगा हुआ है, तो इसलिए आप एक्चुअली हम अपने डेली लाइफ के थोड़ा अपने गाय माता जी से मिलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलवाते हैं, हम क्या करते नहीं करते हैं उसके बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलते हैं नीचे, नीचे से भी कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये शांत वातावरण, और नारियल के पेड़ों की के अंदर की छाँव की झलक है। फिर मुझे ये पानी के उस तरफ जाना है, तो अब देखिए तो हर जगह भाई कीचड़ मिल जाएगा, हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कीचड़ ना हो। इतना डेली लाइफ का वीडियो है, तो अपने घर में दिखाते हैं। तो ये सब तो दूसरी जाति का यानी मुस्लिम कास्ट है, तो उसको इग्नोर करते हैं, अपने घर चलते हैं। तो राम मेरा दादी जी, मैं जो इसको दलान बोल रहा था जहाँ पे अपने बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो भाई गांव में भी नल चली योजना चालू हो चुका है, जिसको भी खाना है भाई खा सकते हो। तो ये मेरा एक डेली लाइफ का ब्लॉग है, और इस ब्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ जो कितने लोग जानना चाहते थे मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ क्या हूँ। और ये रहा मेरा गाय माता जी, तो देख सकते हो, कुछ तो बोलो यार, कुछ बोलो। तो ये है गाय माता जी, और एक प्रथा है मिथिला में, यदि आप कितना भी बड़े हो जाएंगे, देखो जो गोबर होता है तो वो दीवार पे ही चिपकेगा, यानी सुखाने का कर्म अलग से होता है। तो ये सारे बाउंड्रीज हैं मेरे एरिया का, जिसके अंदर यहाँ पे मेरे मम्मी द्वारा लगाए गए बगीचा टाइप के हैं, जहाँ पे सारे फूल्स मिल जाएंगे। और तो चलिए फिर अपने अंदर चलते हैं, ये दूसरे का बाइक है जो कहीं और रखा है, लेकिन मेरा बाइक ये है, तो आप देख लो ये मेरा बाइक यहाँ पर लगा है, यहाँ पर खाना बनने का सामान है। और ये रहा माता जी, अब देख लो माता जी और प्रणाम कर ही लो, क्योंकि माता जी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और जी हम लोग डेली, मेरा हम लोगों का एक सिद्धांत है, हम लोग हर वर्ष माता जी का एक प्रतिमा रखते हैं, उनका आवरण करते हैं यानी पूजा करते हैं। हम लोग क्या नाम जल में विसर्जित अभी नहीं करेंगे, एक साल के बाद करेंगे। और ये रहा मेरा अपना रूम, ये मेरा रूम है, इसमें मम्मी लोग रहती है, यहाँ पे सोती रहती है। ये इसको देखो, ये क्या कर रही है तू, देख कतई हंस रही है। और ये रहा अपना रूम, भाई पंखा तो चलेगा ही चलेगा। आप दिखाते हैं हम अपना रूम और अपना बेड, तो ये सब होता ही रहता है भाई इधर। तो फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में, और मुझे भी देख सकते हो, मैं भी यहाँ ही हूँ, लेकिन मेरे को देख के क्या करोगे, देखना है तो मेरा रूम। तो ये रहा मटेरियल्स जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, और ये रहा मेरा बेड, भाई क्या करूँ, ये रहा मेरा बेड। हाँ, मेरा मम्मी का www.chunnilaghiya.com, यानी इनका वेबसाइट रूम, इनका IT सेक्टर यहीं है। तो मम्मी का फ़ोन यहाँ चल रहा है, कैन नॉट प्ले वीडियो, फल तुम्हें भेजा है, यानी फिल्म थल पे भगवान का, और मैं कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो लाता रहूँगा, फिर आगे दिखाऊँगा किस तरह मेरा लाइफ हो रहा है।
तो मैं चलिए इसके ऊपर से भी दिखाते हैं अब छत के ऊपर से। चीज़ फाइनली पकड़ लिया है, चूहा पकड़ रखा है, एक चूहा पकड़ के रखी है मेरी बहन ने, तो उसको दिखाते हैं आप लोगों को, शायद भाग ना जाए। नहीं शान स्वभाव का लड़का दिख रहा है भाई। हेलो हेलो भाई हेलो, ये मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, दिखा है भाग था वो मेरी बहन ने पकड़ा था, जिसको आप वीडियो में देखे थे अभी। तो ये मैं उस तरफ गया था अभी जिस तरह से हम आए हैं, और चलिए दिखाते हैं ऊपर, मैं अपने छत से दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा छत का नज़ारा कुछ ऐसा, सामने उन लोगों का दूसरे कास्ट का घर, ये मेरा अपना कंपाउंड है। तो आज सोचे थे कुछ ऐसे ही वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे, हम भी थोड़ा घर में रह जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। वहाँ भाग के गया था अंदर, वो अभी कहाँ पे बैठा हुआ, तो आप लोग खुद फाइंड कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में वो चूहा अभी कहाँ पे बैठा हुआ होगा। बेचारा बहुत थका हुआ है, मैं उसके ऊपर से दिखाता हूँ आपको, देखो कितना थका हुआ है वो। लेकिन हम लोग इसे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बेचारा बहुत थक के लेटा हुआ है, क्योंकि नीचे से वो ऊपर की तरफ, इसका मतलब वो थका हुआ है। अब क्यों हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, तब इसका पाँव देख सकते हैं कैसे फैला कर सोया है बेचारा। ये गणेश जी की सवारी है इसलिए हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे, स्वतंत्र जाने देंगे भाई। हेलो हेलो कुछ बोल लो भाई, लेकिन वो थके हुए हैं तो इसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।